हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आईवीएफ में किस प्रकार के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है कि आईवीएफ में किस प्रकार के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कॉमनली पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं और पूछते हैं कि मैडम, ये इंजेक्शंस मरीज़ को नुकसान तो नहीं करेंगे, उनसे आगे जाके उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? और बहुत सारे लोग आईवीएफ के इंजेक्शंस के पेन से डरते हैं। अब उसका तो कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि आईवीएफ में इंजेक्शंस के अलावा हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आईवीएफ में इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं, आईवीएफ में क्या करते हैं? आईवीएफ में एक्चुअली नॉर्मली किसी भी फीमेल को किसी भी महीने में एक ही बीज बनता है, और हम आईवीएफ के अंदर पेशेंट को इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पेशेंट के 10 से 15 बीज मिल सके। तो अपनी बॉडी में, अपने शरीर में क्या होता है, हॉर्मोन्स ब्रेन में से रिलीज होते हैं, जिनको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH कहा जाता है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये हमारी अंडेदानी या ओवरी पर एक्ट करते हैं और ओवरी में बीज बनता है। नॉर्मली जब ये हॉर्मोन रिलीज होते हैं तो ये कुदरती ऐसा सिस्टम सेट हुआ हुआ है कि किसी भी महीने में एक या दो ही बीज बनेंगे। जो ये इंजेक्शंस हैं, जब हम लगाते हैं पेशेंट को, तो ये इंजेक्शंस बहुत सारे एग्स को एक साथ बना देता है। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं, जनरली रिकॉम्बिनेंट FSH जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, रिकॉम्बिनेंट FSH को रिकॉम्बिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है और ये सेल लाइन से बनाया जाता है। ये एकदम प्योर होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंड जो होता है वो HMG होता है, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन्स, मतलब यही वाले हॉर्मोन्स होते हैं FSH और LH, और ये ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोपिन्स मतलब फीमेल के यूरिन में से आइसोलेट करे जाते हैं। मेनोपॉजल फीमेल के यूरिन में से उनको आइसोलेट करके प्योरीफाई करा जाता है और उनको फिर एज इंजेक्शंस यूज़ किया जाता है ताकि हम पेशेंट के एग्स बना सकें। उसके अलावा यूज़ होते हैं इंजेक्शंस जो कि GnRH एगोनिस्ट और GnRH एंटागोनिस्ट नाम से इंजेक्शंस होते हैं। जो ये एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये एक साथ बहुत सारे इंजेक्शंस को ग्रो करना अलाउ करते हैं। जब बहुत सारे एग्स एक साथ ग्रो करते हैं तो एक चांस होता है कि ये एग हम निकालें उसके पहले ही ये शरीर में से निकल जाएं और हम इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इस्तेमाल ही ना कर पाएं। तो इन इंजेक्शंस को जनरली, स्पेशली आजकल क्योंकि ज़्यादातर साइकल्स एंटागोनिस्ट साइकल्स होते हैं, तो ये इंजेक्शंस पीरियड के 6ठे दिन से चालू किए जाते हैं और लगातार जब तक हम पेशेंट के बीज नहीं निकाल लेते तब तक ये इंजेक्शन चलता रहता है। और इससे ये एश्योर होता है कि हमें बीज मिल जाएगा, हम इंजेक्शंस लगाने के दौरान बीज को लूज़ नहीं करेंगे। तो जनरली ये जो इंजेक्शंस होते हैं पीरियड के 2nd या 3rd डे से स्टार्ट किए जाते हैं और मोस्ट लाइकली पीरियड के 10th to 14th डे के बीच में, जब बीज का साइज़ अराउंड 16 से 18 मिलीमीटर का हो जाता है, तब हम एक इंजेक्शन लगा के एक दिन पेशेंट को एनेस्थीजिया देके वो सारे एग्स बाहर निकाल लेते हैं। जब हम ये सारे एग्स बाहर निकाल लेते हैं, उसी दिन हम हस्बैंड का स्पर्म लेके इन एग्स को फर्टिलाइज़ करके एम्ब्रियो बनाने की प्रक्रिया में लगा देते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस मैंने आपको बताए, ये तो वो इंजेक्शंस हैं जो हमने बीज बनाने के लिए पेशेंट को लगाए। इसके अलावा आईवीएफ में इंजेक्शंस लगते हैं जो कि ल्यूटियल फेस सपोर्ट, मतलब हमने जब भ्रूण बना दिया और भ्रूण बनाने के बाद जब पेशेंट के गर्भाशय में डाल दिया, तो हम पेशेंट को प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। तो कॉमनली यूज होने वाले इंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, जब हम पेशेंट के भ्रूण ट्रांसफ़र कर देते हैं, भ्रूण ट्रांसफ़र करने के बाद कॉमनली लगाया जाने वाला इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स अपनी अपनी इच्छा से और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे मैं, प्रोलोटॉन इंजेक्शन है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, पर लेकिन मुझे उस पर बहुत फेथ है कि वो प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कराता है। तो मैं पेशेंट को एवरी 4th डे प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, प्रोलोटॉन 500 या आई वुड से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन 500 एवरी 4th डे मैं पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद लगाती हूँ। उसके अलावा इंजेक्शन HCG भी लगाया जाता है, एवरी वीक लगाया जाता है। ये भी अब रूटीन में नहीं लगाया जाता, आजकल बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि HCG इंजेक्शन लगाने से पेशेंट को कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो HCG इंजेक्शन अब मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पर लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ। मे बी यू कैन से कि आई एम अ लिटिल बिट ओल्ड फैशन्ड, क्योंकि मुझे पुरानी आदत पड़ी हुई है, तो मैं पेशेंट को लगाती हूँ। थर्ड जो इंजेक्शन होता है वो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन होता है। लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन इंजेक्शन स्पेशल कंडीशंस में लगाया जाता है, स्पेशली जिन पेशेंट्स को बार बार आईवीएफ फेल हो चुके हों, या जिन पेशेंट के रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर किसी किसी को जिसको बार बार बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, उन केसेस में
LMWH इंजेक्शन लगाया जाता है। चौथी कंडीशन ये है कि मैं कॉमनली पेशेंट्स को LMWH तब लगाती हूँ जब मदर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को 4th-5th मंथ बाद बच्चे में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसको कंटिन्यू रखने के लिए LMW इंजेक्शन H इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो ये जो तीन इंजेक्शन हैं मैं कॉमनली पेशेंट को आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूज़ करती हूँ। उसके अलावा और भी लोग हैं जो कुछ इंजेक्शंस यूज़ करते हैं जिसके अंदर अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए बाहर ग्रोप करके कुछ होता है, इंट्रालिपिड्स करके कुछ होता है, पर इन सब की यूटिलिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है और इन सब से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है ऐसा एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो जनरली इनका यूज़ रिसर्च बेस्ड होता है और मैं इनको अपनी प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करती हूँ। थैंक यू।